बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे, विच इज अबाउट एक्सरेज। एक्सरेज को डिफाइन करते हैं कि द रेज विच आर प्रोड्यूस व्हेन रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द हैवी मेटल एनोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एनोड से या एंटी कैथोड पार्टिकल से जाकर टकराएंगे तो उसकी वजह से कुछ रेज प्रोड्यूस होंगी, उन्हें हम बोलेंगे कि ये एक्स रेज। जब एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी तो डेफिनेटली एनर्जी की भी प्रोडक्शन होगी, और इसको एक्स रेज की प्रोडक्शन के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमारे पास एक बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास एक कैथोड है, एनोड है। बेसिकली हमने एक टंगस्टन फिलामेंट लिया जिससे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन हो रही है। इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, जब इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन हुई तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको पता है जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे थे तो उनके रास्ते में हमने कोई एक एंटी कैथोड पार्टिकल या कह लें कि कोई भी हमने एनोड पार्टिकल, कोई भी मेटल जो है वो रख दी। जब रास्ते में कोई एंटी कैथोड पार्टिकल या कोई मेटल रख दी तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रेट जाके उस मेटल से टकराए। जब उस मेटल से टकराए तो इसमें से कुछ एक नई तरह की रेज प्रोड्यूस हुई, और ये जो रेज प्रोड्यूस हुई थी ये तमाम डायरेक्शंस में प्रोड्यूस हुई। तो बेसिकली जब इन रेज को स्टडी किया गया तो उन्होंने कहा कि ये एक्स रेज हैं। एक्स रेज जो है इनको फिर एक प्लैटिनम की स्लिट से पास ऑन करवाया गया, और करवाने के बाद इसको एल्यूमिनियम की विंडो से गुजारा गया, और फिर इसको फॉल करवाया गया पोटेशियम फेरस साइनाइड के क्रिस्टल पे ताकि इनका एनालिसिस किया जा सके। अब ये जो रेज हैं ये इन्होंने डायफ्रेक्शन भी शो किया और इन्होंने प्रोड्यूस किया लाइन स्पेक्ट्रम, और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है वो जब ये फॉल करती हैं तो एक इमेज भी प्रोड्यूस करती हैं। अब उन्होंने बताया कि ये जो एक्स रेज हैं ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एंटी कैथोड पार्टिकल पे, यानी कि जिस तरह का पार्टिकल होगा इन रेज की वेवलेंथ जो है वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। अच्छा, अब एक्स रेज को बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं के सीरीज, एल सीरीज और एम सीरीज में, और ये जो सीरीज है इनको फर्दर हम के अल्फा बीटा, एल अल्फा बीटा, एम अल्फा बीटा में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली के सीरीज कब प्रोड्यूस होती है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर के शेल से जाके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करवाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के शेल से नॉकआउट होंगे तो उनमें से जो रेज प्रोड्यूस होंगी उनको हम के सीरीज बोलेंगे। इसी तरह अगर एल शेल से जाके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे तो उसे हम बोलेंगे कि एल सीरीज। अब एक्स रेज जो है वो बेसिकली मोजले ने जो है वो प्रोड्यूस की थी, और इसने ऑलमोस्ट 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी किया, और उन 38 एलिमेंट एल्युमिनियम टू गोल्ड इसने इन एलिमेंट्स की जो है वो एक्स रेज प्रोड्यूस की। अब ये जो एक्स रेज है इनकी रेंज 0.04 से 8 एमस्ट्रॉन्ग तक इनकी रेंज होती है। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनको हम बेसिकली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं शॉर्टर वेवलेंथ जिनको हम के सीरीज कहते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं लॉन्गर वेवलेंथ जिसको एल सीरीज कहते हैं। अब इन रेज की जो वेवलेंथ है वो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी, एटॉमिक नंबर कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसी के अकॉर्डिंगली मुजले ने एक लॉ दिया जिसको हम मुजले लॉ भी कहते हैं। मुजले लॉ क्या कहता है, बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सरेज। एक्सरेज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इसने रिलेशनशिप बताया जिसको हम स्क्वायर रूट वी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा मेटल की कंडीशन पे।
अब मुजले के लॉ की क्या इम्पोर्टेंस थी कि इसने कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इसने उनकी अरेंजमेंट की, जैसे कि पोटाशियम, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट वगैरह, कुछ नए एलिमेंट की जो है वो डिस्कवरी भी की गई। फिर इसके अलावा कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स जो थी उनकी भी जो है वो एटॉमिक नंबर डिटरमिन किए गए। नेक्स्ट हमने देखना है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। वेव पार्टिकल नेचर पढ़ने से पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते थे, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमें बताया गया था कि जो लाइट है ये डुअल नेचर शो करती है, यानी कि ये बोथ पार्टिकल लाइक भी बिहेव करेगी और वेव लाइक भी बिहेव करेगी। तो वेव पार्टिकल नेचर को एक साइंटिस्ट था लुइस डी ब्रोगली से 1924 में इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट किया और इसको डिराइव करके प्रूफ किया कि मैटर जो है वो डुअल नेचर शो करता है, वेव्स की तरह भी बिहेव करता है और इनकी पार्टिकल लाइक भी मूवमेंट है। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हम अगर माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो जितने भी हम अगर देखें, जितने भी पार्टिकल्स, तो इनकी जो है वो डुअल नेचर है। डी ब्रोगली ने हमें एक रिलेशनशिप दिया, बेसिकली लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम डी, वेयर लेमडा जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, एम जो है वो मास ऑफ पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये एक्सप्रेशन कैसे आया हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है प्लैंक्स इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल टू एच वी। इसी तरह अगर हम आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशनशिप देखें तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम बाकी जो इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब वी की जगह अगर हम देखें तो वी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एच सी बाय लेमडा हो जाएगा। और अगर हम लेमडा को सेपरेट आउट करें तो लेमडा अगर अलहदा हो जाए तो वी लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। और यहाँ पर अगर देखें तो वी बेसिकली वेलोसिटी है और सी भी वेलोसिटी है, तो इसलिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब अगर इस एक्सप्रेशन से हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो जैसा कि हमें पता है कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, 6.66 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड। इसी तरह अगर हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ kg, अगर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी 2.188 × 10⁻⁶ m/s से मूव करे तो हमारे पास उस पार्टिकल की वेवलेंथ आ जाएगी 0.33 नैनोमीटर। और ये जो वेवलेंथ है बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में मूव करेगा हाइड्रोजन के एटम में तो हमारे पास उसकी ये वेवलेंथ आएगी। इसी तरह हम प्रोटॉन की भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो 1836 टाइम स्मॉलर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। इसी तरह हम अल्फा पार्टिकल्स की भी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 7344 टाइम स्मॉलर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक स्टोन है तो स्टोन की अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। स्टोन का अगर मास हमारे पास 10⁻³ kg है तो हमारे पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 6.65 × 10⁻³¹ m। यानी कि अगर वेवलेंथ हमारे पास यहाँ देखें तो बहुत ज्यादा स्मॉल आ रही है, जितना पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, और जितना पार्टिकल का साइज लार्ज होगा उतनी वेवलेंथ
कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके बेसिकली इन्होंने मैटर की ड्यूअल नेचर को प्रूफ किया, और प्रूफ करने के बाद इनको इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर नोबेल प्राइज भी जो है वो दिया गया। बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए और उनको एक चार्ज प्लेट्स की तरफ जो है वो एक्सेलरेट किया। जब पार्टिकल्स मूव हुए तो उन्होंने डायफ्रेक्शन शो की। अब डायफ्रेक्शन जो है वो शो की तो इनको निकल क्रिस्टल के ऊपर जब फॉल करवाया तो मैटर की जो है वो वेव नेचर वेरीफाई हो गई, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं ये वेव की तरह जो है वो डायफ्रेक्ट करते हैं। तो इस तरह इनको इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। थैंक यू वेरी मच।